ये पोस्ट स्टडी वर्क वीजा क्या है? न्यूजीलैंड जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ने के बाद उनका करियर उस कंट्री में कैसे बनेगा। उस करियर को बनाने में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक मेजर रोल प्ले करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरा नाम अनिल बेनीवाल है। आई एम डायरेक्टर ऑफ स्टेप अहेड एजुकेशन कंसल्टेंट्स बेस्ड इन चंडीगढ़। आजकल लोग न्यूजीलैंड के बारे में बहुत बातें करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जाके अपने पढ़ने का सपना पूरा करना चाहते हैं। न्यूजीलैंड जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पढ़ने के बाद उनका करियर उस कंट्री में कैसे बनेगा। उस करियर को बनाने में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक मेजर रोल प्ले करता है। ये पोस्ट स्टडी वर्क वीजा क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा किसको मिलता है, कौन से कोर्स करने के बाद मिलता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है और उसके क्या फायदे हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी क्लास 12th फिनिश करी है इंडिया में और वो अपनी ग्रेजुएशन वहां से करना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी बैचलर डिग्री वहां से करता है, उसको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो 3 साल तक न्यूजीलैंड में रह के किसी भी कंपनी में किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। अगर वो डिप्लोमा करता है वहां से प्लस टू के बाद, डिप्लोमा के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं दिया जाएगा। एक एक्सेप्शन है, अगर आपका डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट में आता है तब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उतने ही टाइम का दिया जाएगा जितने टाइम का आपने कोर्स किया है और उस टाइम में आपको उसी फील्ड में काम करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करके न्यूजीलैंड जाते हैं, उनको अगर वो अपनी मास्टर्स डिग्री वहां से करते हैं, चाहे वो 1 साल की हो, 1.5 साल की हो या 2 साल की हो, उनको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अगर वो वहां पे 1 साल का पीजी डिप्लोमा लेवल 8 की क्वालिफिकेशन करते हैं तो वर्क वीजा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उनको 1 साल का ही दिया जाएगा। अगर ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं जिसका लेवल 7 है तो उनको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। अगर उनका ग्रेजुएट डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट में आता है, जैसे वहां पे एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाईवे इंजीनियरिंग, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको कंट्री में रुक के काम करने की परमिशन देता है फुल टाइम। ये इंप्लॉयर्स के लिए भी काफी फायदेमंद है क्योंकि बहुत सारे इंप्लॉयर्स आपको जॉब देने में हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको आपके लिए वर्क वीजा की लाइन में लगना पड़ेगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एक ऐसा प्री अप्रूव्ड वर्क वीजा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक गिफ्ट है कि जो आपने न्यूजीलैंड में एजुकेशन में टाइम इन्वेस्ट किया है और पैसा इन्वेस्ट किया है, आप इस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में स्किल्स गेन करके अपना पैसा भी रिकवर कर सकते हैं और आपको न्यूजीलैंड के वर्क कल्चर के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। आपके सर्कल में अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो न्यूजीलैंड जाना चाहता है, आप ये वीडियो प्लीज उसके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें विजिट भी कर सकते हैं, अगर आप दूर हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9878166231। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।